सब्सक्राइब करें कामकाजी को, प्रेस करें इस बेल को, बिजनेस और जॉब डिटेल के लिए बने रहें हमारे साथ। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल में। तो कामकाजी चैनल में आप जान पाते हैं हर वर्क से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन की, काम कैसे स्टार्ट करना है, साथ ही साथ उस बिजनेस की बेहतर एडवाइस की अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छा ट्रेंड चला हुआ है कॉटन विथ बिजनेस का। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस में कैसे स्टेप्स आने वाले हैं, इस स्टेप्स की हम बात करने वाले हैं, और मैन्युफैक्चरिंग से इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट नहीं करें इसकी बेहतर एडवाइस, साथ ही इस बिजनेस की क्लेरिफिकेशंस की, इस बिजनेस को कैसे हम समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस के ऊपर एडवाइजर्स की एडवाइस की, उन्होंने आपके लिए क्या बताया है कि आप किस तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बिजनेस को मशीनरी के साथ क्यों स्टार्ट नहीं करें। स्टार्टिंग में कुछ लोगों को नहीं पता है कि इसकी मार्केटिंग कैसी करी जाए। बेसिक्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग किसी भी पार्ट में डिवीजन में यूनिट ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले मार्केटिंग आना जरूरी है, जहां पर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना आना चाहिए। साथ में अगर आप अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक पूरा प्लांट सेटअप करते हैं, जहां पर आपका 25,000 से 30,000 रुपए की इसमें कॉटन वैक्स की मशीनरी परचेस होती है और आपको कॉटन परचेस करना होता है, वहां पर आप अपने डिवीजन में मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेंगे, ये बैक ऑपरेशन होता है आपके बिजनेस का। पर अगर आप मार्केटिंग के फैक्ट्स को नहीं समझ सकते हैं कि इसमें कैसे आप सेल करें, किस तरह से करें, तो आपको बेहतर ये होगा कि आप स्टार्टिंग में अपने एक एक्सपीरियंस को फील करने के लिए आप बल्क में इसे परचेस कर सकते हैं। यह बल्क में कैसे परचेस होती है इस बारे में अब आगे हम बात करते हैं। मशीनरी के द्वारा जो बनी हुई कॉटन विक्स होती है उनका क्वालिटी कुछ अच्छा नहीं होता है, जो हाथ से बनी हुई आपको बाजार में अवेलेबल होती है। बाजार में आप जैसा वीडियो में देख रहे होंगे कि हर तरह के कलरफुल्स और इस तरह के डिजाइन्स में आपको मिल जाती हैं, बट इसकी क्वालिटी आप देखेंगे कि आपको स्टार्टिंग में किस तरह से क्वालिटी मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन कैसे होता है हाथ से बने हुए कॉटन अगर आप बाजार से परचेस करते हैं, या आप बने बनाए कॉटन कैसे परचेस करेंगे, कितने रुपए केजी में आपको ये बाजार में अवेलेबल होते हैं। 170 रुपीज केजी का आपको कम से कम कॉटन आपको बनकर मिल जाता है बाजार में, जो कि आप इसे अपने आप पैक करके सेल। दोस्तों 170 रुपीज, 220 रुपीज, 250 रुपीज, 300 रुपीज अलग अलग क्वालिटीज में आपको कॉटन विक्स मिलते हैं, जहां पर आप इन्हें अपने पैक करके सेल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप प्रोडक्शन अगर आप अपना खुद करते हैं तो आपको मशीनरी के साथ में मार्केटिंग के इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इस बिजनेस को बंद कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मार्केटिंग ही बहुत एक मेन पॉइंट रहता है मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन कैसे होता है, मशीनरी का कैसे प्रोडक्शन होता है, और हाथ से बनी या प्रिपेयर से प्रिपेयर बनी बनाई अगर हम कॉटन विक्स परचेस करते हैं तो उसका बिजनेस कैसे होगा। दोस्तों आप टेम्पलेट्स में देख रहे होंगे 50 से 80 रुपीज के हमें कॉटन मिलते हैं मार्केट में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीनरी आपका प्रोडक्शन देती है वो 2 से 3 किलो का डेली देती है। अगर आप 2 से 3 किलो मशीनरी पे इससे कॉटन तैयार करते हैं, वहां पर आपका लेबर एक्सपेंसेस आता है 300 रुपीज का पर डे के हिसाब से। 300 रुपीज पर डे के हिसाब से अगर आपका होता है तो अप्रोक्सीमेट 120 से 110 रुपीज में आपका ये कॉटन बनकर तैयार होता है, जहां पर आप 2 से 3 केजी में आपका 220 रुपीज, 200 रुपीज का अप्रोक्सीमेट घर में आपके इतना लेबर के साथ में ये बनकर तैयार हो जाता है। बहुत सारे चैनल्स एडवाइस दे रहे हैं कि आप इस मशीनरी के साथ में स्टार्टिंग में स्टार्ट करिए। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप इसे स्टार्ट नहीं करिए, बट इनिशियली स्टेट में आप इसे बल्क में परचेस करके कर सकते हैं। सेकंड, जो आपको बनी बनाई कॉटन विक्स हैं उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है देखते हैं। आप बाजार में अवेलेबल कॉटन विक्स अलग अलग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं तो वहां पर 170 रुपीज, 220 रुपीज, 250 रुपीज केजी इस तरह के कॉटन विक्स आपको बाजार में मिलते हैं। वो जब आप बाजार में मिलते हैं तो उन्हें आपको पैकिंग का जो एक्सपेंसेस होता है बस वहीं ऐड होता है, जहां पर आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग से मशीनरी परचेस नहीं हो रही है। आप 15 से 20,000 रुपए का माल भी बाजार से परचेस करके अपना इनिशियली स्टार्टअप कर सकते हैं अपने शहर में, जहां पर आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा अपने बिजनेस के लिए कि आप इस बिजनेस को कैसे करेंगे, आने वाले स्टेजेस में कैसे आप इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कैसे लगाएंगे।
थर्ड होता है बल्क में प्रोडक्शन आने पर आप इसे नहीं संभाल पाएंगे एक मशीनरी के साथ में। जानते हैं वो कैसे। इनिशियली अगर आप एक मशीनरी के साथ में स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको अगर बल्क में ऑर्डर मिलते हैं तो आप उस मशीनरी के साथ में अगर मंथली वाइज देखा जाए तो 60-80 केजीज आप प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा आपका मंथली। अगर आपका इतना प्रोडक्ट मंथली बनकर तैयार होता है तो आप किसी को बल्क में आप अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको देखा जाए इतना प्रोडक्ट 80 केजीज आपका घर में पड़ा रहेगा तो आप बल्क में भी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में आप परचेस करके कर सकते हैं इस काम को स्टार्ट। इसी तरह से मशीनरी को परचेस करने के बाद में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग पे ही इतना फोकस हो जाएगा कि आप मार्केटिंग को ढंग से नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग के लिए अगर हम प्रॉपर नॉलेज ले लेते हैं इनिशियली स्टार्टअप से पहले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मैं आपको इसीलिए एडवाइस दे रहा हूँ कि ग्वालियर से गृह सेवा केंद्र जो कि एक बहुत अच्छा केंद्र है जहाँ के एडवाइजर से मेरी बात हुई, उन्होंने कैसे स्टार्टअप कर रहा है। डेली के 300 फीमेल्स उनके साथ में काम कर रही है, वो घर घर से अपने कॉटन विक्स बनवा रहे हैं और आपके पास में सेल कर रहे हैं। उनके पास अलग अलग क्वालिटीज की कॉटन विक्स हैं, उन्होंने लेबर को अपना पेमेंट देते हैं और किस तरह से काम करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने इतना बड़ा लार्ज स्केल में लेबर को ग्वालियर के गृह सेवा केंद्र से लेकर दिल्ली के एडवाइजर्स तक मैंने इन सब से बात करी कि कॉटन का बिजनेस अगर इस तरह से स्टार्ट हो मशीनरी के साथ तो कितना प्रॉफिट होगा अगर हम स्टार्टअप करें। तो पहला मेरा भी यही मन था कि मैं आपके लिए मशीनरी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं, पर ऐसा मेरे को नहीं दिखा कि मार्केट में आप इससे ज्यादा दिन टिक पाएंगे। दिल्ली के एक व्यापारी हैं जिनके पास अभी 30 मशीनरी लगी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। उन्होंने इनिशियली जब स्टार्ट करा था उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करा था, जहां पर उन्होंने पहले मार्केट को समझा कि इस मार्केट को कैसे पकड़ा जाए और मार्केटिंग के दम पर ही उन्होंने 30 मशीन एस्टैब्लिश करी। आज वो इसी तरह से काम कर रहे हैं। अगर आपको इसी तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आने वाले वीडियोस में भी जान सकते हैं कि इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं इस बिजनेस के सीजन की कि इस बिजनेस का सीजन कब तक होता है और कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों दिवाली से लेकर मार्च तक इसका ऑफ सीजन होता है, ये बाकी 8-6 महीने तक का बहुत अच्छा सीजन होता है। इसको आप ईयरली देखा जाए तो 12 महीने भी इसकी कंटिन्यू डिमांड रहती है, बट 3-4 महीने इसका एक ऑफ सीजन माना गया है एडवाइजर्स के जरिए, जहां पर ये कहते हैं कि इसकी सेल थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए आप इस बिजनेस में जब स्टार्ट करें तो इस मंथ में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कम रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। अगर आप इनिशियली स्टेज में अलग से स्टार्टअप करते हैं और मंथ में तो आपको ज्यादा अच्छे रेस्पॉन्स की उम्मीद होगी। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपके पास और कोई सजेशन है तो प्लीज हमारे साथ कमेंट में पूछें और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उन मैन्युफैक्चरर से जो इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा इस बिजनेस से जुड़ी हुई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।